आज की हमारी इस क्लासेस में हम पिवट टेबल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और पिवट टेबल में आज हम बात करेंगे ग्रुपिंग के बारे में। सबसे पहले हम ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे, फिर आगे हम बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? ग्रुपिंग, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ बात की थी पिवट टेबल की शॉर्टिंग के बारे में, कि किस तरह से हम पिवट टेबल को शॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और पिवट टेबल की जो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस किया। और अब बात करेंगे हम ग्रुपिंग के बारे में। ग्रुपिंग भी बहुत खास इंपॉर्टेंट पार्ट है पिवट का। चलिए हम डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग। तो हमने एक डेटा सिलेक्ट किया और एक इंसर्ट करके हमने पिवट टेबल बनाया। अब इस पिवट टेबल में हमारे पास जो है बहुत सारे डेटा है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेल्स पर्सन को रखा और सेल्स पर्सन के सामने हमने क्वांटिटी को रखा। तो यहाँ पे देखिए एक पूजा है, विनोद सब दिख रहा है आपको नाम। मैंने डेटा में गया और हमने एक नाम को चेंज कर दिया। मैं यहाँ पूजा सिंह कर, ठीक है सर? डेटा में मैंने अपडेट किया है तो यहाँ जब तक मैं रिफ्रेश न करूंगा तब तक नहीं आएगा। रिफ्रेश किया तो यहाँ पूजा सिंह आ गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पूजा और पूजा सिंह बहुत सेम पर्सन, ये सारे के सारे सेम पर्सन है, लेकिन नाम में फर्क होने के कारण दो अलग अलग यहाँ दिख रहे हैं। अब डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? डेटा से ऑलरेडी बहुत सारी चीजें लगी हुई है, तो डेटा में हम जाके चेंज नहीं कर सकते। डेटा में बहुत सारे जगहों पे कहाँ कहाँ चेंज करेंगे, तो मैं यही पे पिवट में ही पूजा और पूजा सिंह को एक दिखाना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, पूजा और पूजा सिंह को हमने कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया। और देन हम इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड ग्रुप। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे ग्रुप किया, यहाँ पे दो पर्सन आ गया। इसमें से आपका जो सेल्स पर्सन है इसके आगे एक नंबर टू लगा हुआ, उसको रहने दीजिए और सेल्स पर्सन को यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पे आपके सामने ग्रुप वन आ गया। अब इस ग्रुप वन को चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम देना चाहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूजा सिंह कर दिया। समझ में आया मनोज जी एंड अभिनायक जी? जी सर, दोबारा ग्रुपिंग करना सर एक बार। क्या ग्रुपिंग वर्ड दोबारा करिए, क्या आपने वो एल्ट दबा के कर... मैंने एल्ट नहीं बताता हूं, मैं दोबारा बताता हूं। मैंने क्या किया कि जो पूजा जिसको ग्रुप करना है उसको सेलेक्ट किया। और जैसे कि आप सीक्वेंस में सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसको और नीचे वाले को सेलेक्ट करना है। इसको मल्टी सेल सेलेक्ट करते हैं, जो कि कंट्रोल प्रेस करके हम क्लिक करते हैं तो हो जाता है। समझ गए ना? तो आपका अगर अलग अलग है तो कंट्रोल प्रेस कर लीजिए, एक साथ है तो इकट्ठा कर लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज्यादा दिक्कत होता है तो आप उसको मूव कर दीजिए, जो कि मैंने कल की क्लास में डिस्कस किया था कि यहां से मूव पूजा सिंह टू बिगिनिंग, दोनों इकट्ठा आ गया। अब दोनों को नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए और फिर ग्रुप कर लीजिए। जो सिलेक्टेड होगा वो आपका ग्रुप बन के इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों दिख रहा है ना सर? तो दोनों अगर रखना है तो ठीक है। जैसे कि हमने कल इस क्लास के बारे में, नहीं परसों क्लास के बारे में डिस्कस किया था, इसमें हमने प्लस माइनस का सिंबल लगाया था, माइनस कर दिया और यहाँ पे आप पूजा सिंह इसको चेंज कर दो, ठीक है? तो इसपे आपको क्लिक करके पता चल जाएगा कि पूजा सिंह और पूजा सिंह दोनों कंबाइन है। अगर आप चाहते नहीं इस तरह से ना, या नॉर्मल है, तो यहाँ रो में जहां पे आपने सेल्स पर्सन को रखा था उसमें से सेल्स पर्सन को, आने वाले सेल्स पर्सन को यहाँ से रिमूव कर, नए वाले सेल्स पर्सन आपके सामने आ रहेगा। अब समझ में आया मनोज जी? जी सर। डाउट इसमें?
जी कोई डाउट इसमें सर? नहीं, ओके अब एक काम और हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास क्वांटिटी है ना, तो हमारे बॉस ने बोला कि यार हम कोई भी क्वांटिटी भेज देते हैं, अगर कोई 10 ऑर्डर करता है 10 देते हैं, कोई 12 करता है 12 कर देते हैं, कोई 100 देता है 100 कर देते हैं, तो हम एक मिनिमम क्वांटिटी को फिक्स करना चाहते हैं कि कम से कम इतनी क्वांटिटी का एक ऑर्डर हम रिसीव करेंगे, उससे कम की नहीं करेंगे, समझ गए? जी क्या माने हमारे बॉस ने क्या बोला कि मुझे डिसीजन लेना है कि क्या मैं एक क्वांटिटी को फिक्स करूंगा कि मेरी क्वांटिटी सेल की क्वांटिटी मिनिमम इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बॉस ऐसे डिसीजन ले लेंगे तो दिक्कत होगा, तो बॉस को बताना होगा कि किस रेंज की क्वांटिटी में कितना ऑर्डर हमें पास आता है, ताकि पता चले कि हमें पता चले कि भाई 10 से 20 वाले ऑर्डर जो है वो सबसे ज्यादा आते हैं, अगर उसी ऑर्डर को हम हटा देंगे तो क्या होगा, सेल्स इरेक्ट करेगा ना, छोटे जो छोटे क्वांटिटी के ऑर्डर्स है वो नहीं मिल पाएंगे। तो जी सर, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा ये डिसीजन लेने से पहले हमें बॉस को इन्फॉर्मेशन देना होता है, यही काम MIS का होता है। तो हमने पिवट टेबल पे गए और हमने क्या किया कि यहाँ पे क्वांटिटी को उठा के हमने टोटल में रखा, और क्वांटिटी को ही उठा के एक बार मैं यहाँ रख देता हूँ, तो 10 है यहाँ पे देखिए 11 है वगैरह वगैरह आ रहा है। तो मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया इस पे, और क्योंकि इस तरह से समझ में नहीं आएगा ना, तो हमने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। जैसे आप राइट क्लिक करके ग्रुप करोगे तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम आपके डेटा के अकॉर्डिंग, जैसा डेटा में होगा आपका उसके अकॉर्डिंग अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 10 और 90 के बीच में आया, आप इसको चेंज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको 0 से लेके 100 तक करना चाहो तो आप 0 से 100 कर सकते हो। तो आपने देखा कि 0 से 10 के बीच में कोई ऑर्डर नहीं है, 10 to 19 के बीच में हमारा इतना ऑर्डर है, 20 to 30 के बीच में इतना ऑर्डर है, 80 to 90 के बीच में इतना ऑर्डर है, और 90 to 100 के बीच में ये ऑर्डर है। तो उस सिंपली देख लें कि हमारा जो मेन ऑर्डर आता है वो मेन ऑर्डर इन्हीं के बीच में आता है, ठीक है? तो इजीली वो डिसीजन ले सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए कि 20 से अबव करते हैं तो हमारा 3146 तक का ऑर्डर मिस हो सकता है एवरेज, तो अगर 20-30 अबव करते हैं तो हमारा ए ऑर्डर मिस होने के चांसेस है, तो उस हिसाब से वो अपना एनालाइज करेंगे। फिर कल के डेट में जब ऑर्डर पास करेंगे फिर देखेंगे कि उनकी सेल्स क्या बनी है, कि 20 से मान लीजिए 10 to 19 को बंद कर दिया उन्होंने, 20 to 30 उन्होंने कर दिया, तो इसमें क्या होगा कि जब सेल्स होगी तो फिर एनालाइज करेंगे कि 10 to 19 जो है हमारा 3146 था, और 20 to 30 जो हमारा 58-39 था, तो 20 to 30 क्या हुआ है ऐसे, अगर 20 30 अगर 80,000 हुआ है, 8,000 8,000 रुपये हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 10 से 19 वाले थे वो मर्ज होगी हमारे 20 से 29 वाले में चले जाए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इस तरह के एनालिसिस करके वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प लेते हैं। हम तो ऐसी एक रफली बता रहे हैं ना कि सब इन सब चीजों को हम लोग एक डैशबोर्ड पे बना के देते हैं। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे आपको नंबर ग्रुप करना सिखा रहे हैं कि नंबर को किस तरह से ग्रुप करेंगे, वो समझ में आ गया? कोई जी डाउट तो नहीं है नंबर ग्रुप में आपको? नहीं सर, चलिए नंबर ग्रुप से आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डेट की ग्रुप की। अब देखिए मेरे पास सेल्स जो है डेट वाइज है, मंथ वाइज नहीं है। अब मुझे बॉस ने बुलाया कि आप मंथली सेल्स निकाल के दिखाओ कि पर मंथ में कितना सेल होता है, और डेटा में हम मंथ ऐड नहीं करना चाहते,
डेटा में छेड़खानी करेंगे दिक्कत होगा, क्योंकि हर बार कॉपी पेस्ट करते हैं डेटा को हम, जैसे कि हर दिन का डेटा इसमें कॉपी पेस्ट होता है, तो अगर हम कुछ छेड़ते हैं तो हर दिन हमें उसको छेड़ना पड़ेगा, इसलिए हम डेटा में कुछ छेड़ना अवॉइड करते हैं। हम पिवट के अंदर करेंगे तो हमें हर दिन नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने एक कॉलम यहाँ ऐड करवा दिया और मंथ के लिए, समझे मनोज जी, तो होगा क्या कि अगले दिन जब डेटा पेश करोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, आपको पेश करने प्रॉब्लम होगी, फिर आपको इतना एरिया पहले पेश करना पड़ेगा, फिर इसका एरिया पेश करना पड़ेगा, फिर मंथ को फिर कॉपी पेश करना, समझ गए। इसलिए डेटा में हम को भी छेड़खानी को भी एडिशन से हम बचते हैं, डेटा जैसा आया है वैसा रहने देते हैं, और सारा काम हम जो हमारे अलग टूल से उसके जरिए करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पिवट टेबल पे हमने ओके किया, तो यहाँ पे हमने डेट को रखा इसमें। जैसे डेट यहाँ पर रखोगे ऑलरेडी ग्रुप हो जाता है, समटाइम ग्रुप नहीं होता है, इस तरह से ग्रुप हो जाएगा आपका ईयरली क्वार्टरली मंथली, इस तरह से ग्रुप हो जाएगा, लेकिन सम टाइम ग्रुप नहीं होता है, इस तरह से होता है, ग्रुप होता है तो आपको अकॉर्डिंग नहीं होता है। अब मुझे इसको ग्रुप करना है मंथली, तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और ग्रुप पे जाऊंगा, तो ग्रुप में हमारा मंथ सिलेक्ट कर लिया, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो आपकी मंथली ग्रुप हो गए। मैं चाहता हूँ मंथ क्वार्टर ईयर ग्रुप करूं, तो मैं यहाँ पे ग्रुप पे आऊंगा, मंथ क्वार्टर ईयर तीनों को ग्रुप कर दूंगा। तो इसकी ग्रुपिंग में फायदा ये होता है कि आप यहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, तो उसको उठा के इजिली आप इधर उधर रख सकते हैं। देख लीजिए इस तरह से क्वार्टरली रिपोर्ट्स बन गए और ईयर आपके ऊपर है, या फिर आप यहाँ पे क्वार्टर रखे और मंथ ऊपर रख दें और ईयर इसके नीचे रख दें, इस तरह की रिपोर्ट आप बना सकते हैं ग्रुप करने के बाद। ठीक है सर, तो इस तरह से यहाँ पे आप ग्रुप में जाकर ग्रुप कर, यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट बाय डिफॉल्ट आ जाता है आपके डेटा को देख के, लेकिन आप यू कैन चेंज है, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें की और होता है, जैसे हमें मंथली रिपोर्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईयरली सॉरी रिपोर्ट चाहिए तो 15 डेज, कि मुझे यहाँ पे रिपोर्ट चाहिए 15 डेज का, तो उस केस में आप यहाँ हटा देता हूं मैं मंथ, ग्रुप करता हूँ, हाँ राइट क्लिक किया और मैंने इसको ग्रुप किया, और ग्रुप में हमने डेज, जैसे आप डेज सिलेक्ट सिर्फ डेज को सिर्फ सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ नंबर ऑफ डेज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और मैंने यहाँ पे 15 डेज चाहिए 7 डेज चाहिए वो हमने सिलेक्ट करके ओके किया, तो हमारा 15 डेज का आ गया। ठीक है सर, समझ में आया आपको जी, विदाउट इसमें नहीं तो ग्रुपिंग आपको विनायक जी समझ में आया जी सर, जी सर कोई दिक्कत नहीं है।